नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर उन सपनों को पूरा करना है तो वो कड़ी मेहनत मांगते हैं ताकि आप ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन एक बार वो आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं तो ऊंचाई से नीचे देखिए और पीछे विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म बन जाती है जिंदगी पर। जी हाँ, आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय उनसे कराते हैं और ये भी बताते हैं कि इनका सपना क्या था, वो सपना किन मुश्किलों से होकर गुजरकर पूरा हुआ और उस ऊंचाई से आज जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म में ये काम कर रहे हैं तो फिर तस्वीर क्या बन रही है। जी हाँ, 12th फेल के स्टारकास्ट विक्रांत मासी, बहुत स्वागत है आपका आज तक के स्टूडियो में। क्योंकि आपने असल जिंदगी में जो मनोज शर्मा ने हासिल किया उसको पर्दे पर उतारा है। और मनोज जी, आपका तो पता नहीं लेकिन मैंने जब कई बार फिल्म देखा तो मुझे लगा कि मनोज जी इतने भावुक हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन विक्रांत ने अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। कम से कम हम लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि हमने ये फिल्म देखी है। हमारे साथ मौजूद है मेधा शंकर। मेधा शंकर पर्दे पर उतार रही हैं श्रद्धा जोशी के किरदार को। श्रद्धा मनोज जी की पत्नी है, वो खुद एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन जिस अंदाज में मेधा ने काम किया और पर्दे पर पूरी तस्वीर उतारी है उनके संघर्षों की, वो भी अपने आप में इंसान को बहुत भावुक। विधु विनोद चोपड़ा की ये फिल्म 12th फेल एक इमोशनल फिल्म है, लेकिन उसी के साथ एक बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है। यानी आपको भावुक भी करेगी लेकिन प्रेरणा भी देगी कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मनोज शर्मा चंबल से आते हुए सपना देखते हैं IPS बनने का, उस सपने को वो कैसे पूरा करते हैं, श्रद्धा कैसे उनका साथ देती है, इन सब पर इन दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन विक्रांत, ये फिल्म, हालांकि आप, मैं देख रही हूं आपके पूरे करियर पाथ में आप इंटेंस फिल्म्स ही कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म आपने क्यों चूज की? कौन सा हिस्सा सबसे चैलेंजिंग था एज एन एक्टर पर्दे पर उतारना? ये पूरी फिल्म चैलेंजिंग थी एक्चुअली। और ये फिल्म क्योंकि मतलब ना करता तो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, आपने फिल्म देखी है। मेरा ये मानना था कि सबसे पहले तो आई कनेक्टेड पर्सनली, क्योंकि मेरे खुद के लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं कुछ, और इसमें आपको मनोज जी की तो कहानी है, मेरे भी स्ट्रगल्स दिखेंगे, विधु विनोद चोपड़ा जी के भी स्ट्रगल्स दिखेंगे। तो हम सब जो मिलके ये फिल्म बनाने आए हैं, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अस, हमने मनोज सर में, इस किताब में और इस कहानी में अपना जीवन देखा है। और मेरा ये मानना है, जैसे हमने फिल्म के टैगलाइन में भी ये रखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। और अगर ये, जैसे मैंने कहा, ये कहानी नहीं करता तो शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, बिकॉज इसको फिल्म बनाने में तो एक फिल्म बनाने के लिए बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल तो था ही, इसीलिए किताब को हमने अडेप्ट करके स्क्रिप्ट में अडेप्ट किया। लेकिन ये उस हमारे देश के तमाम नौजवानों की, और सिर्फ स्टूडेंट्स की या बच्चों की नहीं, ये हम सब की कहानी है। एंड आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, बिकॉज इतना चैलेंजिंग पार्ट मेरे पास कभी आया नहीं है, और मैं खुद अपने आप को चैलेंज करना पसंद करता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दिस इज द मोस्ट स्पेशल फिल्म आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एंड आई कैन डेफिनेटली। कौन सी वो मुश्किल आपकी जिंदगी की आपने कोरिलेट की? मेरे हिसाब से फिल्म में जब चंबल से निकल कर मनोज यहाँ ग्वालियर पहुँचते हैं और वो बक्सा, जिसमें वो शॉट भी बहुत अच्छा है दादी का, जब जूम इन करके जाता है और वो पूरा पैसा दे देती है और यहाँ आकर सब कुछ चोरी हो गया, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कमजोर पॉइंट और मुश्किल पॉइंट रहा होगा। आपने कैसा ऐसा कुछ फेस किया जीवन में? आई मीन, रिजेक्शन हम सब फेस करते हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पे जिस फील्ड का हिस्सा मैं हूँ, और क्योंकि मैं एक सो कॉल्ड आउटसाइडर हूँ, तो काफ़ी चुनौतियाँ आईं और अभी भी आती रहती हैं। कितने साल चप्पल घसे आपने मुंबई में? मुझे, मैं 36 की उम्र है मेरी अभी, और मुझे 20 साल हो गए प्रोफेशनल एक्टिंग करते करते, और मेरा ये मानना है कि मेरा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी चप्पल घिसी है, 10 साल TV किया है, और जब TV से स्विच किया फिल्मों में तो काफ़ी एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं आप, और ख़ास तौर पे एक है वो एलिटिज्म का है यहाँ पे मामला, अरे TV एक्टर है ये नहीं कर पाएगा, अरे मौका दोगे तब करेंगे। तो वो एक अपनी खुद की जगह बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने TV से यहाँ पर कदम रखा और अच्छे अच्छों की पोजीशन हिला दी है, तो विक्रांत आप भी एक दिन ऐसा करेंगे। मेधा, आपके पास आते हुए सबसे चैलेंजिंग हिस्सा आपके लिए इनको पर्दे पर पोर्ट्रे करने में कौन सा था, और आपको भी क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडस्ट्री? जैसे कि विक्रांत ने बोला, ये बहुत ही इमोशनली चैलेंजिंग रोल था। जैसे आपने बोला, बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है,
और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने एक बात बोली थी जब इनकी बुक का लॉन्च हुआ था कि उनके 20 साल के करियर में अगर उन्हें चूज़ करना पड़े तो वो बोलेंगे आज तक की बेस्ट कैंडिडेट श्रद्धा जोशी हैं। तो मेरे लिए दीज वर वेरी बिग शूज़ टू फिल। तो ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत प्रेप गई है, ऑलमोस्ट एक साल की प्रेप लगी है, बहुत बार मिली हूँ मैम से, समझने की कोशिश करी है उनका व्यक्तित्व बियॉन्ड द बुक, सर के साथ विधु सर के साथ बहुत प्रेपरेशन लगी है और लगभग पूरी फिल्म ही चैलेंजिंग थी, ऐसे एक कोई सीन मैं नहीं निकाल सकती, बट हाँ आई थिंक जो एक क्लाइमैक्स सीन है वो हम सबके लिए बहुत ही मैजिकल सीन था बिकॉज वो ट्रांसेंड हो गया था बियॉन्ड एक्टिंग बियॉन्ड। उसी शॉट में मैंने सोचा कि विक्रांत और आपकी आंखों में जो इमोशन था, पता नहीं आप दोनों की आंखों में था या नहीं था उस दिन, अब आप बताइए आपके लिए। बड़े इमोशनल है वैसे रियल लाइफ दोनों बहुत। ये लोग ये आधे घंटे के इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है कि भावुक हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। कितनी मुश्किल है, कितना मतलब ये पूरा सफर हम लोगों ने जो देखा, कई लोग जब ये फिल्म देखेंगे तो मैं आपको अभी से बता दूं मनोज, ये पूछेंगे कि इतनी मुश्किलें थी, इतनी गरीबी का सामना कर रहे थे, या आजकल पॉवर्टी को भी बहुत ग्लैमराइज करके बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाता है, ये आरोप लगता है, क्या परिस्थितियाँ थी? ये सवाल उन्हीं के मन में आता है जिन्होंने पॉवर्टी देखी नहीं है। जिसने गरीबी देखी है उसे सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसी भी गांव के किसी भी ऐसे लड़के को देख लीजिए या लड़की को देख लीजिए जो शहर में आया है, अपना जगह बनाना चाहता है, न खाने को उसके पास है, न पहनने को कपड़े हैं, न उसके पास छत है, उसको इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा जो स्ट्रगल दिखाया गया है। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों बच्चे कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आप किसी गली में जाके देख लीजिए, आपको उस गली में हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। तो पॉवर्टी को, गरीबी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कभी कभी गरीब होके देख लेना ज़रूरी है। जिसने भूख सही है वो समझ पाएगा, जिसने भूख नहीं सही है वो नहीं समझ पाएगा। जब आपके पास एक ही टाइम खाने को रहता है और आप 5 बजे खाते हैं तो सुबह से आप भूखे रहते हैं 5 बजे तक के लिए, और उसके बाद आप रात तक भूखे रहते हैं, तो तब समझ में आता है कि पॉवर्टी क्या है। तो ये चैलेंज है सबके लिए, है बाकी सब लोगों के लिए है। और मैं विनोद चोपड़ा जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को इतने बड़े पूरे देश के लेवल पर ले गए। नहीं तो पॉवर्टी, कितने लोग संघर्ष करते हैं ख़त्म हो जाता है, संघर्ष कोई बड़ी बात तो नहीं, सभी लोग कर रहे हैं। पर उन्होंने समझा इस बात को, और विक्रांत ने और मेधा ने इतना ज़बरदस्त उसको उतारा है पर्दे पर कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी कि वो प्रेरणा ले सकें, उनको पता चले कि ठीक है संघर्ष तो ठीक है, जीतेंगे मारेंगे कटेंगे जो भी करना हो करेंगे लेकिन लड़ेंगे। ये फिल्म में जो किरदार है उसमें एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से है और आप रीजनेबली मीडियम क्लास फैमिली से आती हुई दिखाई दे रही हैं, क्यों आप, व्हाई डिड यू स्टिक विथ हिम, क्यों आप उनके साथ रहीं? मनोज का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मजबूत था, और उस समय जैसे अगर मैं उस जर्नी में जब इनके साथ में थी तो मुझे बड़ा आकर्षित करता था कि कुछ पता नहीं है कि आगे खाने का क्या होने वाला है, पहनने के लिए वही एक दो कपड़े हैं लेकिन सपना बड़ा साफ दिखाई देता है, वो जद्दोजहद एकदम साफ़ है और बड़ा एक आत्मविश्वास है। और एक बड़ी खास बात थी कि मनोज ने कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, मतलब वो स्माइल उस दौर में भी हमेशा साथ में थी, वो कॉन्फिडेंस उस दौर में भी हमेशा साथ में था, तो मुझे कभी उसमें इनसिक्योरिटी लगा ही नहीं, या एक बड़ा जबरदस्त एक आत्मविश्वास जो था वो मुझे भी बहुत विश्वास देता था और वो कैरेक्टर बहुत मजबूत था। मैं वापस रिवाइंड करके वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर सामने बैठा दोस्त ये कह रहा है कि ये तुमको छोड़ देगी नहीं होगा, तो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना था कि नहीं मुझे साथ रहना है और छोड़ना नहीं है, और आसपास के लोग ये देखते हैं, कई लोग ऐसा कमेंट मेरे भी आसपास जब हम फिल्म देख रहे थे तो कर रहे थे कि देखो इसे फिर प्रीलिम्स निकाल लिया तो फिर वापस आ गए। नहीं तो ये चूंकि आपने खुद अपने एग्जाम्स निकाल लिए लेकिन फिर भी आप साथ में बनी रही, वो फेस समझाइए ज़रा। नहीं मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं जब अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचती थी तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्टेबिलिटी, या जैसे अगर देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के को ही स्टेबिलिटी की गारंटी देना चाहिए। अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं जो मैं बहुत करती भी हूँ, तो वो जिम्मेदारी सिर्फ लड़के के ऊपर ही नहीं होना चाहिए कि उसको सारी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, छोटी मोटी नौकरी मैं तो हूँ ही अब अफसर, और वो दोनों ही कर सकते। बात यह है कि आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो ट्रस्ट आपको मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट उसकी आंखों में आपके लिए होना चाहिए, बाकी तो दुनिया फिर जीती जाएगी, बाकी दुनिया जीत जाएगी। आपके लिए लाइफ में अभी तो शुरुआती आप फिल्म्स कर रहे हैं और बहुत सारी चैलेंजिंग फिल्म्स आपको आएंगी, लेकिन आपके हिसाब से मनोज की जिंदगी, क्योंकि मैं अगर मैं
एक क्रिटिक के तौर पे कहूँ विक्रांत, तो बहुत ऑर्डिनरी एक स्टोरी है जी। चंबल से कितने लोग निकलते हैं, छोटे छोटे गांवों से निकलते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस से बनते हैं, बहुत मामूली सी स्टोरी अगर आप इसको ऐसे स्टोरी बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत मामूली फिल्म है। उस पे 3.5 घंटे की फिल्म बनाना और आपको कम्पीट करना है बड़े बड़े स्टार्स के डांसिंग नंबर्स से, आइटम सॉन्ग से, एक्शन थ्रिलर्स से और करोड़ों रुपए के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से, तो एज एन एक्टर आपको नहीं लगा कि ये फिल्म करूं या ना करूं? मैंने जैसे कहा कि कोई दो राय थी नहीं, क्योंकि जब किताब पढ़ी तो मैं 3-4 बार बहुत फूट फूट के रोया किताब पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जैसे मैंने कहा आई सॉ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन हिज जर्नी। किस पार्ट में रोए? अभी जैसे सर ने बताया कि दिन में एक वक्त ही खाना खाते थे, जो बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म में हम नहीं ला पाए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें किताब की आप फिल्म में नहीं डाल सकते हैं। इन्होंने दिल्ली में रियल लाइफ में डॉग वॉकिंग का भी जॉब किया है अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें की हैं इन्होंने। तो और मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पर हमेशा ध्यान देते आया हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू नो दिस विल फाइंड इट्स ओन ट्राइब। यू फाइंड योर ओन ट्राइब नहीं कहते हैं कि ठीक है कमर्शियल फिल्म नहीं है, सॉन्ग एंड डांस नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस फिल्म की रूह जो है वो बहुत मजबूत है। और शायद ही इसीलिए जितनी ईमानदारी से और जिस इंटेंट से विधु विनोद चोपड़ा जी ने ये फिल्म बनाई भी है, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि वो एक बैरियर जो है ना, हम सब एक चलो एक एक, एक मुखौटा लेके हम सब जीते हैं, सब रोल्स प्ले कर रहे हैं जीवन में, एक एक डिफेंस मैकेनिज्म हम सबका है, लेकिन कुछ कहानियों में कुछ आर्ट फॉर्म में इतनी ताकत होती है कि वो पेनिट्रेट कर जाता है। एंड दैट इज वॉट इज हैपन विद दिस फिल्म एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। आपको आपसे भी मैं सिमिलर सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस इस वक्त जो आएंगी उनको लगेगा कि एक ग्लैमरस रोल अगर मुझे मिले, एक तो विधु विनोद चोपड़ा की मैं फिल्म भी कर रही हूँ, कुछ ग्लैमरस होगा तो मेरे लिए आगे का करियर जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो अलग खुलेगा, ऐसा कुछ मन में आया? जी नहीं मैम, एक्चुअली मैं एज अ पर्सन और एज एन एक्टर दोनों तरीके से मैं इसी तरह की हूँ कि आई वॉन्ट पीपल टू सी माई माइंड बिफोर माई ब्यूटी। सो जिस तरह की ये किरदार था, जिस तरह की ये कहानी थी, मुझे पता था शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, कुछ ग्लैमरस या ब्यूटीफुल नहीं है इसको दिखाया जाएगा, बट इसी तरह की कहानी का मुझे हिस्सा बनना था, स्पेशली टू बिगिन माई जर्नी इन द मूवीज़। मैं हमेशा से चाहती थी कि लोग ये देखें कि यार ये लड़की एक्टिंग अच्छी कर सकती है, सुंदरता बाद में दिखी जाएगी। नहीं वो आजकल मैं जितना फिल्म्स को देख रही हूँ तो अगर गांव की भी लड़की होती है तो उसकी सुंदरता ऐसी कर दी जाती है कि एकदम परी लगे वो। हाँ, एंड यहाँ पे यू हैड टू ड्रेस डाउन डाउन। हाँ, हमने बाल भी नहीं बनाए थे, यू कैन सी इन सम सीन्स मेरे फ्रिजी बाल दिख रहे हैं। सो वो सर का बहुत स्पेसिफिक था कि आप बहुत सिंपल हो, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि ऑथेंटिसिटी तभी आएगी कि ये रोल में जो अब बच्चे जो UPSC के पढ़ने जाते हैं वो मेकअप इतना करके नहीं जाएंगे। सो अगर आप वो कर दें तो, और विधु सर की अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी तो आएगी ही आएगी, तो उसमें कोई वो क्वेश्चन ही नहीं था कि ग्लैमरस हो जाऊं मैं। कुछ मैनरिज्म्स के बारे में आपस में बातचीत में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो आप दोनों को? बिकॉज आपको मैनरिज्म्स भी आपने सीखे होंगे कि ये कैसे करती थी नहीं करती थी, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आप लोगों का फिल्म बनने के दौरान? तो ये ज़रूर विधु सर ने बोला था कि ये इंस्पायर्ड है इन लोगों से, तो हमको मिमिक कभी नहीं करना है इन लोगों को। इट्स इंस्पायर्ड बाय देयर कैरेक्टर, बट देन यू मेक योर ओन कैरेक्टर ऑफ श्रद्धा। देर इज अ लॉट ऑफ मेधा इन इट, देर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन इट, एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय श्रद्धा मैम। बट मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत बार मैम से मिली हूँ, बड़े नोट्स बनाती थी, 6-6 घंटे हम बात करते थे, और मैम बताएंगी क्या नोट्स बनाते थे क्या मैम, मैं इनसे सब कुछ क्या लर्निंग थी कि इनफैक्ट हम जब भी बात करते थे ये अपने स्कूल के बारे में बताती थी कि कैसे ये बहुत स्टूडियस थी, और हम जब जब बात करते थे हम रियलाइज करते थे हमारे में बड़ी सारी सिमिलैरिटीज थी कि हमारी दुनिया देखने का तरीका काफ़ी जगह पे सिमिलर था, हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह की डिसीजन से। मुझे अभी भी याद है कोई हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी डाउरी के बारे में, बहुत इनिशियल हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में, और ये लोग कुछ बता रहे हैं और मेरे अंदर से गुस्सा आ रहा है, और मैंने सिर्फ ऐसे देख के बोला डाउरी इज़ डिसरिस्पेक्ट, एंड देन दैट मोमेंट हम ऐसे बॉन्ड हुए थे। बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ था हम जब भी बात करते हैं उनको रियलाइज होता था बड़ी सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, तो हम तो बिल्कुल एक दूसरे को बड़ी बहन छोटी बहन हम ये मजाक में बोलते हैं कि कभी तो रहे होंगे। मनोज जी, मुखर्जी नगर के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म बनी है,
वहाँ पर जो बच्चे बिहार, यूपी, चंबल, मतलब कहाँ ही किसी भी छोटे अन्य राज्यों से पहुँचते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों भरी होती है। वो या तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उनमें से कई बच्चे आप मिलेंगे तो वो एक वक्त का खाना, दो वक्त का किसी तरह से खाना, कईयों को घर से पैसा आता है, कईयों को नहीं पहुंच पाता है, बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। वो जो आयरन वाला कॉट होता है, हाँ, उस पर किसी तरह से गद्दी लगा के सोते हैं, जाते हैं। आपकी कहानी उन तमाम बच्चों से कितनी मिलती है और कितनी अलग है? नहीं नहीं, मुझे लगता पूरी मिलती है, क्योंकि आप मुखर्जी नगर फिर भी थोड़ा सा थोड़ा पैसेबल है, थोड़ा आप पीछे जाएंगे गांधी विहार, नेहरू विहार, वजीराबाद, वहाँ पे हम जाते ही इसलिए रेंट कम है उधर। हाँ, तो मैं नेहरू विहार में रहता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहीं रह सकता हूँ। तो आप एक रूम में चार चार लोग रहते हैं, तीन तीन लोग रहते हैं, तो पैसे बांटते हैं किराए का, फिर आप तय करते हैं कि खाना बनाने का तरीका क्या रहेगा, कौन कॉट पे सोएगा, हाँ, किसको नीचे सोने आए हैं। तो अब इसमें ऐसा तय होता है कि कई बार कि ऐसा है पैसा नहीं तेरे पास, तो तू सब्जी लाने काम कर, बाकी काम बाकी चीज़ें कर। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी कोई स्पेशल जर्नी है, जैसे आपने बोला ना अभी, जैसे ऑर्डनरी एकदम सिंपल कहानी, सिंपल बात है, और यही इसकी ब्यूटी है। हाँ। क्योंकि अगर आप स्पेशल बन जाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। हाँ। अब जैसे विक्रांत ने कहा कि मैं इस मूवी को करना चाहता था क्योंकि सिंपल है, ये सिंपल है। अब कितनी बार आप हवाई जहाज से उतरते हुए देखोगे, हेलीकॉप्टर से नीचे पाँच लोगों को मारते हुए, कब तक हम ये बता देखेंगे कि एक आदमी है वो अमेरिका जाता है, फ्रांस जाता है, वो विक्रांत का करियर अभी शुरू हुआ है, क्यों बेचारे का करियर अभी, एक दिन वैसा भी कुछ विक्रांत करेंगे जब वो हेलीकॉप्टर से कूद के किसी को रेस्क्यू करेंगे, गोलियां चलाएंगे ऐसे ऐसे करके। विक्रांत अभी तो करियर बस शुरू हुआ है। पता है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश का सच तो सामने लाया वो। कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं भाई उसी से दुनिया चलेगी, किसिंग सीन डालो, फलाना डालो, ये करो। हमको अपने देश की इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम्स। यस, अगर 10 साल बाद कोई ये फिल्म देखेगा तो वो ये समझेगा किस तरह से देश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक चाम भी है, IPS IAS बनना है। और फिर उसके लिए जिंदगी भी लोग खपाते और जिंदगी खपाते हैं। और इसीलिए आप देखिए ना, आप अगर पूरे देश को देखेंगे तो अल्टीमेटली इस देश में IVS IPS IRS जो काम कर रहे हैं, देश चला रहे हैं ना, देश चल रहा है ना, इतना बड़ा देश चल रहा है। कितने देश टूट गए, कितने देशों में दिक्कतें हो रही हैं, कितने देशों में क्रांतियां हो रही हैं, हमारा देश क्यों चल रहा है इतना अच्छा? क्यों हमारे देश के अंदर अभी भी आज भी हम बोल रहे हैं कि यार हमारा पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रहा है? तो कोई तो ताकत होगी ना। तो ये ताकत कहाँ से बनती है? वो यहाँ से बनती है, बच्चे बना रहे हैं, ये बच्चे जा रहे हैं ना आगे चल के। तो मुझे लगता है विनोद चोपड़ा ने इस सरल कहानी को इसलिए लिया क्योंकि ये सरल नीचे तक जा रही है, हर एक आदमी की कहानी हो रही है, ये अकेले मनोज की कहानी नहीं हो रही है, ये हर बंदे की कहानी है जो थोड़ा कुछ करना चाहता है, ताकत है, दिमाग है, सब कुछ है। श्रद्धा मुझे कई बार बोलती थी उस समय कि यार अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलती तुम तैयारी करो, लेकिन है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तुम पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो, तुम थोड़ा और लगाओ, थोड़ा और लगाओ, थोड़ा बीच बीच में भटकाव आ जाता है। तो वो है सब में ताकत, ऑर्डिनरी कहानी है लेकिन सबकी कहानी। उसी पे अब लौटते हैं, चौथे अटेम्प्ट में हुआ, चौथे अटेम्प्ट में आपने UPSC क्लियर कर लिया, इंटरव्यू वाले पार्ट में बाद में आएंगे। विक्रांत, वो रीस्टार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, रीस्टार्ट, वो सही में था या आप लोगों ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है? और रीस्टार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि वो इस फिल्म को बांधता है बिल्कुल शुरू से अंत तक। नहीं, इसी फिल्म बन रही है, थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली जाती हैं। रीस्टार्ट का सिर्फ यही था कि ये हार नहीं माने कभी। और जितने भी आप बच्चों से मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस फिल्म में थे वो सेकेंडरी एक्टर्स नहीं थे, वो एक्चुअल एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स थे जिनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड्स। तो वो हमारे साथ दिन में शूट करते थे, रात को जाके बेचारे पढ़ते थे, और वो दे वॉलंटियर टू कम एंड हेल्प अस क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी कहानी में ऑथेंटिसिटी हो। रीस्टार्ट एक हमने सोचा कि आज के देश के जो युवा हैं और लोग हैं, और नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं हमारे, देखिए जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ तो आती रहती हैं, बहुत सारे लोग हताश होकर गिर जाते हैं, दोबारा उठ के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, और वही एग्जैक्टली इनके साथ हुआ। जैसे चौथे अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पार किया, लेकिन ये हार नहीं माने इन्होंने, मतलब। और एक अकेडमिक ईयर देना, वो तो हमने फिल्म में दिखा दी है, चार साल, आठ पाँच साल की जर्नी, लेकिन एक बच्चे के लिए या किसी के लिए भी एक अकेडमिक ईयर दोबारा रिपीट करना वो बहुत चैलेंजिंग होता है। वो बहुत लोग हताश हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दो अटेम्प्ट के बाद दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते। और सिर्फ UPSC की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। आई थिंक दिस इज सिनोनिमस विद लाइफ, टू रीस्टार्ट, टू गेट अप, पुट योर चिन अप, डस्ट योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं, बहुत पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। सो दिस एनकम्पसेस, दिस वन वर्ड एनकम्पसेस लाइफ इन इटसेल्फ। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आज जो वायरल चीज़ें होती हैं, हमारा गाना भी वायरल हो रहा है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं
बहुत चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी आके सिर्फ रीस्टार्ट के बारे में, और किसी भी आर्ट फॉर्म से आप उम्मीद करते हैं कि लोगों को एंटरटेन तो करेगा ही करेगा लेकिन इंस्पायर भी करें, लाइक मेधा ऑल्सो सेड एंड लाइक यू ऑल्सो सेड सो ब्यूटिफुली. ये फिल्म एक और मेरी जो खुद की एक एक विचारधारा है, द वे आई अप्रोच लाइफ, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं जितनी आसानी से चल रहे हैं 20 साल बाद तो नहीं होंगे. माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी. आई विल नेवर बी बिगर दैन माई वर्क. माई वर्क विल ऑलवेज बी बिगर दैन मी. तो अगर मैं अपनी इस प्रिविलेज से, इस अपनी कला से, जो एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, अगर उससे मैं लोगों को एंटरटेन के साथ साथ प्रेरित भी अगर कर पाऊँ तो और क्या ही सौभाग्य. 36 की उम्र में आपने ज्ञान मोक्ष सब हासिल कर लिया. जीवन की ऐसी ऐसी सच्चाई से आज विक्रांत हमें रूबरू करा रहे हैं. लेकिन रीस्टार्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप तीनों से भी मैं इस पर बात करना चाहती हूँ. कोटा में हमने देखा कितने बच्चे हैं. पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि आप कोई मार्क्स या कोई एंट्रेंस एग्जाम आपके बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं मेजर कर सकता है. रीस्टार्ट, उसको कैसे वो नई परिस्थिति स्ट्राइक करें. अच्छा, ये एग्जाम नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम है. जिंदगी के बहुत सारे और एवेन्यूज हैं. आप लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में करना है तो इसी में करना है. बहुत सारी लड़कियां हैं मुझे लगता है जो छोटे शहरों से भी मुंबई पहुंचती हैं, उनके सपने मर जाते हैं वहां जाकर और वो अलग अलग चीज़ों के दबाव में आ जाती हैं. तो मैं उस एंगल से पूछ रही हूँ कि आप क्या इंस्पायरिंग मैसेज देंगी इस फिल्म को और अपने करियर को देखते हुए, क्योंकि हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि उसे विधु विनोद चोपड़ा की ऐसी फिल्म मिल जाए. यही मैं बोलूँगी कि सेल्फ बिलीफ और परसिवियरेंस आर योर ओनली टू बेस्ट फ्रेंड्स. अगर आप किसी भी जंग में जा रहे हैं, कोई भी बड़ा सपना देखा है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप आउटसाइडर हैं तो बहुत चुनौतियाँ आएंगी, बहुत काउंटलेस रिजेक्शंस आएंगे. और बट आपको एक पाथ चुनना है अपने वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड, आपके अपब्रिंगिंग पे बेस्ड, कि यार जो मिलना है इसी रास्ते से मिलना है, कोई और रास्ते पे मुझे जाना नहीं है. और किसी के दबाव में नहीं आना है. वही है सेल्फ बिलीफ और परसिवियरेंस, कि यार आपको खुद पे आत्मविश्वास है कि कर लूँगी मैं, लड़ लूँगी. जैसे हमारी फिल्म का टैगलाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं. तो आप लड़ते रहिए, लड़ते रहेंगे तो एक ना दिन तो जीत ही जाएंगे. आई विल जस्ट एड वन थिंग. ये एक चीज़ हमने ये भी कहने की कोशिश की है कि ओनली अकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस. लाइक लाइफ सक्सेस के लिए आपको बहुत सारे स्किल सेट्स लगते हैं. और ये खासतौर पर पेरेंट्स के लिए हम बार बार जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक एक दिशा लेते हैं, आपकी रुचि होती है, आपको आप वो दिशा लेते हैं, लेकिन सिर्फ अकेडमिक सक्सेस इज नॉट सक्सेस इन लाइफ. फॉर लाइफ सक्सेस यू नीड सो मेनी अदर थिंग्स. बहुत सारी जैसे मनोज का अगर चौथी बार नहीं हुआ होता तो मनोज की जिंदगी खत्म नहीं होती. और वो कहते भी हैं. तो मनोज क्या करते फिर? वो अगर मान नहीं होता चौथी अटेम्प्ट में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. हम लोग जब रिजल्ट देखने आ रहे थे और रिजल्ट देखने से पहले हमको लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो उसमें हम लोग, मैं और सद्दा दोनों विकास सर के पास गए, विकास दिबेर की सर के पास, कि सर यहाँ पढ़ाने दोगे क्या हमको, आपके यहाँ पढ़ाना चाहते हैं हम, क्या नहीं हुआ. तो उन्होंने कहा तुम देखे तो आओ रिजल्ट अपना. मैंने सर नहीं हुआ तो पहले तय कर लेते हैं. प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए जीवन में और पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए कि बच्चे को प्लान ए के साथ एक प्लान बी भी, उस पर भी डिस्कस. सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ भी यही चल रही है कि हमारे पेरेंट्स को हमारा बच्चा 96, 95, 98% वाला चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए. और उन्होंने ऐसी होड में डाल दिया बच्चों को कि पता नहीं 98 भी लेके आएगा तो बताएंगे कि शर्मा अंकल के बेटे के तो 99.4. अब क्या करेगा वो? 98 ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना, आप बच्चों को देखेंगे तो आपको इतना दर्द होता है कि बच्चा सुबह से शाम स्कूल जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, म्यूजिक सीखने जा रहा है, फिर वो खेलने जा रहा है. क्या बनाना चाहते हैं हम उसको? सब कुछ बनाना चाहते हैं हम उसको. भाई उसको थोड़ा सा दुनिया से मिलने दो ना. मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानता हूँ, सबसे बड़ी ताकत मेरी है, मैं गाँव का हूँ. मेरे गाँव में 1000 लोग हैं कम से कम. मैं 1000 लोगों का नाम जानता हूँ. उन 1000 लोगों की पूरी फैमिली को जानता हूँ मैं. मुझे पता है कि किसके घर में कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है. मुझे पता है कि कौन सी चाची बेटा बैंगन का सब्जी अच्छी बनाती है. तो ये मेरा बास हो गया ना अनुभव लाइफ में. तो वो अनुभव लेने दीजिए, लोगों को बाहर तो निकलने दीजिए. हम अपने बच्चों को सब्जी लेने नहीं जाने देते. इतना प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, बस पढ़ 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 पढ़, उससे कुछ नहीं होगा. वैसे गांव से निकले हुए आदमी का कॉन्फिडेंस तो कोई बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने इतनी मुश्किलें देख ली होती हैं कि सब कुछ आसान लगता है. आप बच्चों को क्या, कौन सा वो एक आप बोलेंगी ट्रेड चाहिए आपको जिससे वो फेस कर सके चैलेंजेस को? मुझे यही लगता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम दे या कुछ भी दे तो या तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और नहीं तो आप सीखते हैं. तो वो सीखना तो हमेशा काम में आता है. हार कुछ होती नहीं, फेल होना कुछ होता नहीं. आप एक चीज़ के पीछे भागते हैं और ज़रूरत पड़े तो सपना चेंज भी कर देना चाहिए. उसके लिए भी मुझे लगता है पेरेंट्स और बच्चे दोनों को तैयार होना चाहिए. हाँ. आपने एक एग्ज़ाम दिया तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया. सपना तो सपना भी दोनों सपना सी भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी सपना सी भी हो सकता है,
क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी हमारी हमारी सपना सी हो सकता है, सपना ए से भी अच्छा हो। होता है बात यह कि जहाँ जो आप करेंगे उसको बेस्ट करने का कोशिश करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। रिजल्ट में सारे लोग तो कभी क्लियर कर ही नहीं सकते, वो सच्चाई तो हमको माननी ही पड़ेगी। तो एग्जाम और बच्चे ये जो दोनों, और उसमें पेरेंट्स भी उतने ही प्रेशर में है, सोसाइटी भी उतने ही प्रेशर में है, आई थिंक उस प्रेशर के इससे बाहर निकलना चाहिए। और विधु विनोद चोपड़ा जी ने जो इसको लिया है, आई थिंक सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट यही है जो आपने बोला रीस्टार्ट का, जब भी हो वहाँ से रीस्टार्ट, दैट इज द मैसेज। अब इंटरव्यू पे आते हैं क्योंकि वो मुझे लगता है सबसे क्रूशियल पार्ट था फिल्म का। प्रीलिम्स आपने दो बार निकाली, तीन बार, मेंस दो बार। मेंस मेरा पहला था, ये मेंस भी पहला था और इंटरव्यू भी। हाँ नहीं, मेंस तो कई बार दिया, इंटरव्यू पहला था। इंटरव्यू के लिए प्रेप करना और क्या इनपुट्स आपने लिए थे और इंटरव्यू का जो पूरा सिनेरियो है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में आजकल हर जगह आपको देखिए आप भी स्टार बने, इंटरव्यू ही देना पड़ रहा है। टू बी एबल टू कम्युनिकेट, बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, ये वो इंटरव्यू का जो पूरा सिनेरियो था, क्योंकि इंटरव्यू फाइनल इनको मिला फोर्थ अटेम्प्ट, नहीं तो कहानी साफ। हाँ स्लेट ही वापस, नहीं घर वापस नहीं, प्लान बी, सपना बी, प्लान बी। हाँ नहीं, बड़ा बड़े लकी थे हम कि विकास देवी कीर्ति जी जो हैं, ही वाज देयर, ही वाज गाइडिंग अस, कंसल्टेंट के तौर पे एक बार आप कह सकती हैं, यू नो सुपरवाइजर के तौर पे कह सकती हैं, काफी उन्होंने हेल्प की ऑथेंटिसिटी को लेके, पूरा रिक्रिएट किया है आप लोगों ने यूपीएससी की बिल्डिंग को। हाँ एज इट इज, क्योंकि मेरे साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही बेंच लगा होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही बेंच पे हम बैठे होते हैं, ऐसे ही वेट करते हैं। आप लकड़ी भी सेम रही है, कलर भी सेम। आप मानेंगे नहीं, 1250 तस्वीरें ली गई थी, एक एक एंगल को कवर किया गया था, और मुंबई में ये स्टूडियो पूरा फिल्म सिटी में रिक्रिएट किया गया था, यूपीएससी के अंदर का, अंदर पूरा, का पूरा। हाँ। क्योंकि अंदर आप शूट नहीं कर सकते हैं। हाँ। मतलब कोई नहीं जा सकता वहां पे, मतलब 3000 गमले लगे हैं सिर्फ, और ये है विधु विनोद चोपड़ा जी की खासियत, वो कॉम्प्रोमाइज का सी भी एग्जिस्ट नहीं करता है उनकी लाइफ में। और वो कमरा जिसके अंदर इंटरव्यू हो रहा है, बाहर लाल बत्ती जल रही है, जो पूरे डिमेंशन है वो एज इट इज क्रिएट किए गए हैं। लेकिन हम इंटरव्यू पे आते हैं, जो इंटरव्यू का जो सीक्वेंस था, 12th फेल, वहीं से नाम इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, और आपने फिल्म देखी है, वो पूछता भी है कि क्या ड्रॉप ईयर लिया था आपने, तो वो ईमानदारी से कह देता है वो कि नहीं मैं फेल हुआ था, फिर दूसरा उसको कहता है कि ये मत बोलना फेल हुआ था, तो ये ईमानदारी की कहानी है। तो जब इंटरव्यू में मेरा जो किरदार है वो जाता है, वो जानता है कि ये उसकी एक एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन चाहे उसे प्लान बी कह दें या सी कह दें, ये एक मैं इसे आत्मविश्वास कहूँगा कि उसे पता था कि अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो वो जीवन में कुछ ना कुछ तो करेगा, एंड ऑल ही वॉन्टेड टू डू वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोसाइटी एंड द नेशन। और मेरी इंस्पिरेशन सच में वो बच्चे रहे हैं, हिंदी मीडियम जो लो इनकम ग्रुप वाले बच्चे हैं जिनके साथ मैं रहा हूँ, आप मानेंगे, और ये मैं इतना खुशी से ये शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ कि 90% ऑफ देम दे रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। बहुत कम लोग होंगे, और होते भी हैं, मतलब सब अच्छे नहीं होते हैं दुनिया में, बहुत कम होते हैं जो सरकारी मकान और पेंशन और सारी फैसिलिटीज़ के लिए ये नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन 90% और बच्चे जिनके साथ मैंने वक्त बिताया है, वो इसीलिए ये पूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और मेरा कैरेक्टर फिल्म में कहता भी है इंटरव्यू में कि मान लीजिए अगर मैं अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर करूँगा तो गाँव जाऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी, और अगर वो उसी उम्र में ये समझ जाएंगे तो वो शायद जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तो सिंसेरिटी हमेशा, जैसे मैंने कहा, पानी की तरह अपना रास्ता बना लेती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने इतना वक्त बिताया इस फिल्म पे, 2 महीने की शूटिंग के लिए मैंने 1.5 साल प्रेपरेशन की है, और शूटिंग के खास 3 महीने पहले मैंने सारा काम छोड़ दिया था। आई यूज टू सिट विद विनोद चोपड़ा जी, और ही वॉज सो ग्रेसफुल, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था हर क्रिएटिव प्रोसेस में, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, ऑडिशंस हो, कॉस्ट्यूम्स हो, आर्ट डायरेक्शन हो, तमाम चीज़ों, और कैमरा टेस्ट्स में भी मैं हिस्सा था उसका। तो पूरा मंच चुका था मैं, बस द आइडिया वाज टू जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस माय सेल्फ। ये तो एक्टिंग कर रहे थे इंटरव्यू के लेकिन आपने तो फेस किया था उस इंटरव्यू को, जिसमें जो स्टोरी लाइन है उसके मुताबिक जो बीच में बैठे हुए थे साहब, वो बिल्कुल ही एंटी थे आपके, जैसा फिल्म में दिखा। कितना मुश्किल था वो इंटरव्यू? इंटरव्यू करने से पहले मैं विक्रांत की एक बात बताना चाहता हूँ कि विधु विनोद चोपड़ा की बड़ी खासियत थी, हमको पता नहीं था कि ऐसा हुआ कि वो हम सबको 4 साल से एकदम टोटली इन्वॉल्व करके बैठे हुए हैं कि यार ये देखना, जैसे सेट बनाया उन्होंने, बुलाया, देखना यार सेट सही बनाया गया,
और लिटरली हम लोग जाके देखा यूपीएससी एकदम लग रहा था, मतलब पहला लगा कि यूपीएससी बना दिया है, मैंने मैजिक कर दिया है। तो वो उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। इंटरव्यू में आपने दो तीन चीज़ें जरूर नोट की होंगी, कुछ सिंबल यूज़ किए हैं, जैसे जूते का थोड़ा सा दिक्कत होना, टाई सही में था, टाई का थोड़ा प्रॉब्लम होना, क्योंकि हर एक बच्चा जो गांव से आता है ना, टाई उसको क्या लगती है, गले की फांस लगती है, मुझे अभी भी लगती है। आज भी मैं टाई बांध नहीं पाता, आज भी मैं श्रद्धा को देता हूँ प्लीज़ इसको बांध दो यार, नहीं तो वैसे ही लटका के रख देता हूँ कि अगली बार जाऊँगा तो पहन लूँगा। तो ये सारी चीज़ें सिंबल जो उन्होंने यूज़ किए वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर आपके खिलाफ में है, दरअसल इंटरव्यूअर जो हैं वो कुछ आपके अंदर देखना चाहते हैं, उसके तरीके अलग होते हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, कभी कोई डांट के देखना चाहता है, कोई प्यार से देखना चाहता है, कोई तरीका अलग है, उनकी जज करने की अलग कैपेसिटी है। आज मैं सर्विस में 18-19 साल बिताने के बाद मुझे भी लगता है कि अगर मैं इंटरव्यू लूँगा तो मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू ले सकता हूँ, क्योंकि आधा घंटे में समझ जाऊँगा मैं आदमी को कि कितना है। तो उनकी तरीका था वो, पर हाँ उस तरीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इतना कमज़ोर था कि मैं चाहता था कि इस पर बात नहीं हो, बस मैं चाहता था कि कुछ अच्छी बात हो जाए, अमेरिका की बात हो जाए, पाकिस्तान की बात हो जाए, तो मैं शायद हो सकता है कुछ बता पाऊँ। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के गए हो गया। हाँ, राइट। और यहाँ तो आ गया चंबल। और उसमें एक और दिक्कत थी कि वो 12th फेल में बात नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके बारे में बात करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पर वो बात वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आप गैप दिखता है आपका हर जगह, और गैप दिखता है तो लगता है कि शायद PMT के लिए लिया होगा, PET के लिए लिया होगा, इंजीनियरिंग के लिए लिया होगा। सो वही बेस थी, वही प्रॉब्लम थी। और दूसरी एक भाषा का प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ पर भाषा को लेकर के मैं ये बात आपके सामने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बोलना चाहता हूँ कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को लेकर के अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी हम लोगों ने एरिस्टोक्रेसी को और इंग्लिश को जोड़ दिया है, और दिक्कत इस बात की है कि इस देश का 95-96% आदमी इस चीज़ को जानता ही नहीं है। 96% आदमी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी को जान रहा है, उनके लिए ना हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ना हम कोई शो कर रहे हैं, ना उनकी हम बात, ना उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दो दुविधा में हैं कि एक तरफ हम सोचते हैं कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूं, इसको फिर उसके बाद मैं ट्रांसलेट करता हूं, क्यों कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। तो आप मतलब आप कह रहे हैं कैसे सामंती सोच है हमारी, हम आज भी शायद सोचते हैं कि जो अंग्रेजी जानता है वही पढ़ा लिखा। हाँ, अब कोई इंटरव्यू आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, कॉन्फ्रेंस चल रही है, फिल्म तो हिंदी थी इसलिए हिंदी में सब था, लेकिन क्या इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में ही सवाल पूछे जा रहे थे? वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछते हैं आपके कौन सी भाषा में, आप भाषा में कंफर्टेबल हैं, लेकिन हाँ उनसे उन जज करते हैं, तो आपके प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे अभी भी बोलना है, इस विक्रांत ने इतना अच्छा उसको फिल्माया, दिखाया है, और विद्युत साहब ने गजब किया है, अनुराग पाठक ने किताब भी बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन सच में मुझे अभी भी लगता है, दर्द होता है जब बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, सारे देश के बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर कोई एक लड़का जिसको पता है कि मैं बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे यार भाई अच्छे से बोलना यार, ये प्रेजेंटेशन में इंग्लिश नहीं आई तेरी। तो मुझे लगता है इससे ऊपर उठना पड़ेगा देश को, नहीं तो हम लोग अभी भी गुलामी की उसी मानसिकता में जी रहे हैं जिस मानसिकता को छोड़ने के लिए 70 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वो डिस्पैरिटी है, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, वो डिस्पैरिटी है स्टैटिस्टिक्स वाइज, मतलब मैं कुछ ही महीने पहले पढ़ रहा था 18-20% लोग हमारे देश में सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी 80% आपका जो देश है वो रीजनल लैंग्वेज में ही बात करता है और वो हिंदी में ही बात करता है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बात करता है, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स हमारी कंट्री है। और अभी थोड़े दिन पहले, ये भी मैं 30 सेकंड लूंगा कहने के लिए, हमारा सौभाग्य था कि UPSC के सेक्रेटरी सर आए हुए थे फिल्म देखने के लिए। जब बच्चों के साथ मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था तो वो मुझे कहते थे कि भैया अगर कभी हो सके ना तो आप ये बात हमारी आगे पहुंचाइएगा कि हम इंग्लिश मीडियम वालों को और हिंदी मीडियम वालों को ना एक ही टाइम मिलता है लिखने का, उतना ही टाइम मिलता है। अब हिंदी लिखने में ज़्यादा डिफिकल्ट है, मात्राएं बनानी होती हैं, लाइन बनानी होती हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें 20 मिनट या आधा घंटा भी, अगर हिंदी मीडियम वालों को UPSC का एग्जाम लिखने के लिए 20 मिनट से आधा घंटा भी अगर हमें ज़्यादा मिल जाएगा तो शायद हम बेटर कर पाएंगे। सो ये डिस्पैरिटी है, ये बहुत चैलेंजेस हैं। हालांकि कुछ कदम इस तरफ उठाए जा रहे हैं लेकिन कितना ये मुमकिन हो पाएगा, आपका टेक इस पर क्या है? नहीं, मुझे भी लगता है कि जो हिंदी है और जो रीजनल लैंग्वेजेज है उनका अगर इवन रेशियो देखे सक्सेस का एग्जाम्स में तो काफ़ी कम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है एग्ज़ाम के पैटर्न में, या स्केलिंग जैसी व्यवस्था जिससे कि सबको एक पैरिटी पे लाया जाता है, कुछ ना कुछ पैटर्न इस पर एनालिसिस होके कुछ डिसीजन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लोकल जो जैसे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो या तो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में पार्टिसिपेट करते हैं, आम घरों के बच्चे मुझे
ऐसा मेरा एकदम मजबूती से मानना है कि जो जितना अभाव संघर्ष या गरीबी में, उसके सपने उतने ही बड़े हैं, उसके आदर्शों पे चलने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा है, क्योंकि वो स्ट्रगल्स के बाद जो सपना होता है वो एक बड़ा अलग है, उसकी चमक अलग है। तो उनको पार्टिसिपेशन एग्जाम्स में ज़्यादा मिलना ही मिलना चाहिए, कम से कम बराबर ही तो मिलना चाहिए, वो अभी कम हो रहा है। तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो वाला पार्ट जब आपके फादर को पता चल जाता है, वो सही में हुआ था? किसी ने फोन कर दिया था दोस्त ने? और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि श्रद्धा के फादर को बहुत विश्वास था, श्रद्धा पे बहुत ज्यादा, मतलब विश्वास तो हर पिता को रहता है। उनको लगता था कि, उनको लगता नहीं था कि कोई लड़की से प्यार कर सकती है। अच्छा हाँ, वो गजब एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है लाइफ का कि पिता को कभी भरोसा नहीं होता कि किसी दूसरे को चाह सकती है। नहीं दूसरे को, और एक और बात है, आप बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आप बच्चे को काम करने भेज रहे हैं, आप चाहते हैं आप डिसीजन अपने लो, पढ़ो लिखो, लेकिन शादी मैं ही करूँगा, ऐसे कैसे हो सकता है शादी? भाई जब जब बच्चे लड़का लड़की, जब आप उसको आगे आपका डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका, विकास को, तो शादी भी मर्जी से करने दो ना। वो सिनेरियो कैसा था आपके लिए करना? और बहुत प्यार से आपने उनके अपने पिता को मना लिया, जो उनका अपने कैरेक्टर जी जी किया। जैसा कि मनोज सर ने बोला कि पेरेंट्स अगर इतना एम्पावर कर रहे हैं परवरिश में अपनी बेटी को, अपने बेटे को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जाओ पढ़ाई करो, अपने डिसीजंस खुद बनाओ, तो ये डिसीजन हम खुद क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने इतना हमको काबिल बनाया है तो ये भी सोचिए कि हम ये डिसीजन भी सोच समझ के ही लेंगे। तो इसीलिए, और इनका जिस तरह का रिलेशनशिप दिखाया है, जिस तरह का लव दिखाया है, उस पर कोई क्वेश्चन करेगा, चाहे मेरे पिता ही क्वेश्चन करें तो मुझे गुस्सा तो आएगा कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक तरह से मेरे प्यार की प्योरिटी को डिसरिस्पेक्ट भी तो कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली प्यार है नहीं, इनका बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो वो सीन बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है और वो परफॉर्म करने में मुझे बहुत मज़ा आया। पर ये डिबेटेबल भी है, मुझे पता है कि आप तीनों ने अभी जो बात कही है उसके बाद इस पर सोशल मीडिया पर हो सकता है कि बहस छिड़ जाए कि माता पिता का प्यार कहाँ जाकर खत्म हो जाना चाहिए, कहाँ पर बच्चों के अपने हक शुरू हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि कोई भी माँ बाप हमेशा भलाई के लिए सोच के दबाव भी डालते हैं। एक चीज जैसे मुझे लगती है कि जब आप स्पेशली बच्चियों के लिए दिक्कत आती है, तो जब आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप, जैसे मेरे भी उसमें अगर मैं कहूँ तो मेरे शायद माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया था कि मैं सही डिसीजन ले सकूँ। तो वो सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी, वो केपेबिलिटी हमें बच्ची को देनी है, वो विजडम देना है, वो सही और गलत का फर्क कर पाए बच्चा। मतलब पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि इतना वो समझदार हो गई है लाइफ में कि ये ठीक डिसीजन ले लेगी। और कभी कभी लगता है कि हाँ, ज़्यादा प्रोटेक्टिव कभी कभी पेरेंट्स होते हैं कुछ बच्चों के लिए, जो उनको लगता है अभी ये इतना नहीं संभली है। तो वो भी बात है कि आप अपने डिसीजन भी, इस तरह का बड़ा डिसीजन अगर आपको पता है आप बहुत समझदार हैं इस चीज़ में, आपके पेरेंट्स इतना काबिल बनाया है तो लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स का इंटेंशन हमेशा प्रोटेक्शन ही होता है, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। सही में इतने ज्ञानी है और इतना समझदार है कि आप लोगों ने एक रियल दोनों, मतलब आपने इतनी बड़ी बात बोली है ना, हम मैं और सदा ये बात करते हैं क्या ये आप, मतलब बाकी तो हम लोग ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं, ये सब स्टार हैं, बड़े पर्सन हैं। अरे नहीं, हम भी मिडिल क्लास लोग ही हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं। सदा जी आपने इतनी सही बात बोली है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि यार ये इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतनी समझदार लड़की, ये भाई इतना स्ट्रगल से आया हुआ, कैसे ऐसा हो सकता है कि वो सब कुछ समझ रहा है जो हमने जिया है? सब कुछ जब हम बात करते थे तो मतलब इंटेलेक्चुअली हम उसी पॉइंट पर साथ में होते थे, वही कंक्लूजन भी काफी सिमिलर होते हैं। मतलब हम बड़े ग्रेटफुल है जो कास्ट जो सर ने दी है। मेरा भी ये मानना है कि ये जो अभी मैं भी ऐड करूंगा एक रीजनेबल, चलिए ठीक है, यू नो जब आप एक प्यूबिसेंट एज पार कर जाते हैं तो पेरेंट्स तो ऑफकोर्स आपको गाइड करते ही करते हैं, बट जब एक रीजनेबल एज आप पहुंच जाते हैं और कानून भी आपको एक एज के बाद आपको एक अडल्ट मानने लग जाता है, तो आई थिंक एक रीजनेबल एज के बाद, और पेरेंट्स तो चलो वो कभी अपने बच्चों को हमेशा बच्चा ही मानते हैं। सिर्फ एक एक लाइन में अब आप लोगों को बताना है कि 12th फेल देखने क्यों जाएं, शुरू कर रहे हैं आपसे। इसलिए क्योंकि ये उन हजारों लाखों करोड़ों मनोजों की कहानी है। आप उधर देख के बोलिए ताकि सीधे ऑडियंस से बात की जाए। इसलिए क्योंकि लाखों लोगों की, उन लोगों की कहानी है मनोज की जो बहुत नीचे से आ रहे हैं और जिनको संघर्ष करके सपने बहुत बड़े देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने की ताकत भी है। अगर ताकत है और आप सिद्ध करना चाहते हैं तो प्लीज देखिए। ये आप सबकी कहानी है और मेजॉरिटी का जो सपने देखना, उसके लिए लड़ना, उसको जीतना, उसकी कहानी है। इसलिए ज़रूर अपनी कहानी को देखने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला हम सबकी कहानी है ये, तो अगर आप जिस भी संघर्ष से लड़ रहे हैं, अगर आपका होप और करेज थोड़ा कम हो गया है, तो आइए हमारी फिल्म देख के ज़रूर वो होप और करेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप बहुत इंस्पायर होके जाएंगे। ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म भी है,
बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म भी है, और जैसे सब कह रहे हैं जी हाँ ये आपकी कहानी है, तो प्लीज़ आप सिनेमा घर में जाके हमारी फिल्म ज़रूर देखें। आप चारों आए, आप लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, आपने एक्टिंग की जुबानी बताई, ये फिल्म बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुभकामनाएं आप दोनों को, और आप दोनों को भी जीवन में आप और भी लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। इस इंटरव्यू में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।